रनवे से घसरने के बाद विमान में आग लगने की घटना सामने आई है। जलते हुए विमान के उतरने के बाद करीब 100 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। ये घटना गुरुवार सुबह चीन के चोंगकिंग एयरपोर्ट पर हुई। तिब्बत एयरलाइंस के एक विमान में आग लग गई। अधिकारियों ने कहा कि कुछ यात्रियों को मामूली चोटें भी आई है। पीपल्स डेली के अनुसार सभी 113 यात्रियों और चालक दल के 9 सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना में कुछ यात्री घायल हो गए, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो में रनवे पर प्लेन में आग लगते देखा जा सकता है। वीडियो में दमकल कर्मी भी आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। जलते विमान से धुआं निकलते भी देखा जा सकता है। इस संबंध में तिब्बत एयरलाइंस ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित है। एयरलाइंस ने कहा कि मामूली रूप से घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हादसे में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट।